हे गाइस नमस्कार, मैं आमिर अकीत। गाइस आपने क्या कभी ये चीज़ सोचा होगा, ज़रूर सोचा होगा कि क्या हम 25 आईडी बनाएं, 25 क्या हम 25 बोल रहे हैं और ज़्यादा मान लो 50 आईडी बनाएं, 100 आईडी बनाएं, अपने 100 आईडी बनाएं अपने फ़ोन में, उसके बाद क्या अपनी वीडियो को हम वॉच करें और अपना वॉच टाइम जो है 4000 घंटे का उसको हम क्या पूरा कर सकते हैं, क्या अपनी ही वीडियो को क्या हम देख सकते हैं उस 50 आईडी अपने ही आईडी से देखकर हम अपना वॉच टाइम 4000 घंटे पूरा कर सकते हैं। ये मुझे बहुत सारी कमेंट ऐसे देखने को मिल जाती है। तो कल भी एक कमेंट मुझे देखने को मिली, तो मुझे लगता है जो उचित कमेंट है, जो ज़रूरी सवाल है, उसका जवाब हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसलिए हम वो कमेंट को पिकअप कर लेते हैं, भैया रख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे रख लेते हैं और उसके बाद हम इस पर वीडियो बनाएंगे। सो यहाँ पे साइड में आपको शो हो रहा होगा वो कमेंट भाई साहब ने जो किया था। अब बारी है इसका जवाब देने की, क्या ये किस प्रकार से ये संभव हो सकता है और किस प्रकार से ये नहीं हो सकता, क्योंकि कई प्रकार ऐसे हैं जो नहीं हो सकता और कई प्रकार ऐसे भी है जिससे हो सकता है आईडी बना के। कैसे सारा समझाते हैं, क्योंकि समझाने का वक्त आ चुका है, इसीलिए तो वीडियो है, अदरवाइज़ ऐसे हम आपको रिप्लाई में ना बता देते। सो समझाते हैं। देखो गाइस, अगर आप अपना फ़ोन मान लो, फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन आपके पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फ़ोन में मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, इस फ़ोन से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इस फ़ोन में मेरा एडिसन्स अकाउंट है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो ये फ़ोन है, इससे हम अपलोड करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन में यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो कंडीशन ये है कि अगर मान लो हम इससे अपलोड करते हैं, इससे सब कुछ करते हैं, तो हमारे पास एक फ़ोन और दूसरा है जिससे हम वीडियो बना रहे हैं। अगर ये दूसरा फ़ोन है, इसमें ये मत समझना कि इसका डाटा खोले भैया, हॉटस्पॉट ऑन करें और यहाँ से वाईफाई ऑन करें, इस फ़ोन में जोड़ के और इसमें कई सारी आईडी बना के देख ले, ऐसा नहीं कर सकते आप। देखो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप किसी का वाईफाई लेके और अपने फ़ोन में चला के, आप ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर किसी और के फ़ोन का वाईफाई आप लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका दोस्त आया है, उसका वाईफाई लेते हो और अपने दूसरे फ़ोन में चलाते हो, इस वाले फ़ोन में नहीं चलाना है आपको, अपने दूसरे फ़ोन में चलाना है, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो, अगर दूसरा फ़ोन है तो उसमें चलाओ और उसमें भी चलाओ, लेकिन फ़ायदा एक ही का होगा, दो का नहीं होगा। अगर दोनों वीडियो वाईफाई मान लो फॉर एग्जांपल मैंने वाईफाई दोस्त से चालू करवाया और इस फ़ोन में लगा दिया और दोनों वीडियो मैंने एक दोनों फ़ोन में वही वीडियो देख लिया, तो वही वॉच टाइम गिना जाएगा जो दोनों फ़ोन का मिला के हुआ है, वो नहीं गिना जाएगा, केवल एक ही गिना जाएगा, क्योंकि नेट जो है एक ही है। अगर आपका नेट अलग होगा तभी यहाँ पर ये ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। हाँ एक शर्त और है कि कुछ हकीकत चीज़ें आपको बताएं कि किस प्रकार से कर सकते हो आप भाई, यही है, ठीक है। अगर कर सकते हो तो किस प्रकार से कर सकते हो, आपके पास आसपास स्टेशंस बहुत सारे होंगे, ये एक ट्रिक है, हालांकि मेरे पास भी है स्टेशन, स्टेशन पे आपको जाना है, स्टेशन पे जाने के बाद वहाँ पे आपको वाईफाई, अब आजकल के स्टेशन पे सब जगह मिल जाता है वाईफाई, मेरे यहाँ भी लग गया है, कुछ साल पहले लगा था और हर जगह लगभग लग चुका है, नहीं लगा भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम लगवाने नहीं आएंगे, ओके तो वो आप देख लो। और उसके बाद आपको जब वहाँ पे स्टेशन पे जाके, वहाँ पे आपके पास अगर कई सारे, जैसे मान लो आपके पास 3-4 फ़ोन है, तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हो, अपने 3-4 फ़ोन में ये काम ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कभी भी, अपने दिमाग से निकाल देना कि 25 आईडी बना के अपने एक ही फ़ोन में, आपका मान लो दूसरा फ़ोन है तो उसमें 25 आईडी बना के अपना वीडियो देख देख के वॉच टाइम पूरा कर लूँगा। भले ही आप अपने अपने फ़ोन में नहीं देख रहे हो, लेकिन दूसरे के फ़ोन में देख रहे हो, दूसरा फ़ोन है आपके पास, दूसरा नेट है आपके पास, अगर उसमें भी आप देख रहे हो, तो आप ये मत समझना कि आपका 25 आईडी से आप देख रहे हो तो 25 आईडी का आपको वॉच टाइम मिलेगा और 25 आईडी का कैलकुलेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक अगर मोबाइल से देख रहे हो तो एक ही माना जाता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं माना जाता। पहले कुछ होता था ऐसे, अब नहीं होता ये काम, ये ट्रिक अब नहीं काम करती, पहले ये ट्रिक बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर करके, कुछ ब्राउजर्स हैं जिसमें आपको प्रोवाइड करते हैं कि भैया बहुत सारे टैब बना सकते हो,
तो वो टैब बना बना के लोग एक एक दिन में वॉच टाइम अपना पूरा करते थे, लेकिन अब ये काम नहीं करता, ये ट्रिक काम नहीं करती। सो अभी आप लोगों के पास चारा क्या है कि भैया एक फ़ोन है अगर आपके पास, जैसे जिस फ़ोन से आप बना रहे हो वीडियो उसको छोड़ के अगर आपके पास दूसरा फ़ोन कोई भी है तो आपको उसमें देख सकते हो केवल एक बार वॉच टाइम एक वीडियो का मिलेगा, अदरवाइज एक भी बार नहीं मिलेगा अगर ऐसे आप करते हो तो। तो बस यही है और कोई तरीका नहीं है फिलहाल, अलग से कोई तरीका नहीं है। और अगर आप लोग ज़्यादा गलत तरीके में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज़ अपना काम करें, सही से करें, ऑटोमेटिक आपका वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, बहुत जल्दी आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। लोग एक एक दिन में पूरा करते थे, ये कुछ ब्राउज़र थे ऐसे जो बहुत सारे टैब बना देते थे, तो बस इसी को देखते हुए यूट्यूब ने ये सारी चीज़ें कर दी थी। सो अब नहीं कर सकते। तो फाइनली आप लोगों को ये डाउट जितना रहा होगा वो सारा क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा, मुझे पता है। तो और भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम वहाँ कमेंट में आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।